हेलो गाइस, तो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने मेरी ब्लॉग में मेरी बेस्ट देने की ट्राई की है। और आपको मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं मेरे जो खेत है वहाँ घूमने के लिए आया हूँ और घूमते घूमते मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं मेरा दूसरा ब्लॉग भी बना दूँ, तो आप सबको और एंटरटेनमेंट करूं। तो मैं आज मेरे खेत है वहाँ से दूसरा व्लॉग शूट कर रहा हूं और उम्मीद है कि ये भी व्लॉग आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, मैंने मेरा पहला व्लॉग बनाया और यूट्यूब पे आप सब लोगों ने देखा ही होगा। और दोस्तों, मेरा पहला व्लॉग बनाया तो मेरे को व्लॉग बनाने में क्या क्या दिक्कत आई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्योंकि फ्यूचर में कोई भी बंदा हो जो व्लॉग बनाना चाहता हो तो उसको ये दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को बताऊँ कि मैं व्लॉग बनाने के लिए मेरे व्लॉग बनाने में क्या दिक्कत आती है। तो व्लॉग बनाने के लिए पहले तो हमें व्लॉग में क्या बोलना है वो फिक्स रहना चाहिए कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो उसमें क्या बोलूँ। फिर हमें कैमरे के सामने कैसे बोलना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और उसके लिए हमें 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम हमारा पहला ब्लॉग आसानी से बना सकेंगे। और यही दिक्कत आती है कि ऐसे फ़ोन पकड़ पकड़ के हाथ एकदम से दर्द करने लगते हैं, तो ये मेरे को दिक्कत आई। तो आप लोगों को ये पता चल गया हो कि व्लॉग बनाने के लिए क्या दिक्कत आती है। तो आप लोग जब भी स्टार्ट करें व्लॉग बनाने के लिए तो आप भी एक ट्राइपॉड ख़रीद ले या कुछ ना कुछ जुगाड़ करें कि हाथ में पकड़ के ऐसा व्लॉग बनाना ना पड़े। दूसरी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ कि व्लॉग बनाने के लिए हमारे पास मोबाइल भी है और हम बनाने के लिए सोच भी लेते हैं, लेकिन कैसे बनाए तो हम तो उसमें क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों, मोबाइल है लेकिन हमें एक व्लॉग बनाने के लिए प्लेस चाहिए, वो हमें दिक्कत आती है कि कौन सी प्लेस पे बनाए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हम आसानी से बना पहला व्लॉग है तो हमें थोड़ा डर भी लगता है। तो ये दिक्कत आती है कि हमें डर लगता है कि पब्लिक के सामने कैसा व्लॉग बनाए, तो हमें अच्छी एक प्लेस ढूंढनी चाहिए। वो दोस्तों व्लॉग बनाने में दिक्कत आती है, जो मेन दिक्कत है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कैमरे के सामने बोलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही। तो पहले हमें व्लॉग बनाने के लिए यही सीखना होगा कि हमारे में कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। उसके लिए हमें 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी कि कैमरे के सामने मैं कैसे बोलूं। और दोस्तों, एक और दिक्कत है कि एडिटिंग। हम व्लॉग तो शूट वीडियो तो शूट कर लेंगे, कुछ भी बोल के वीडियो शूट कर लेंगे, फिर उसे कैसे कट करना है, कैसे एडिट करना है वो हमें सीखना चाहिए। तो मेन दिक्कत है कि वीडियो कैसे एडिट करें, तो उसके लिए हमें फ़ोन रहेगा तो उससे हम एडिट करेंगे। लेकिन दोस्तों, एडिटिंग ऐसे भी तुरंत नहीं आ जाती है, तो हमें पहले यूट्यूब से ही सीखना पड़ेगा कि कौन सी ऐप बेस्ट है, कौन से ऐप से हम वीडियो शूट कर एडिट कर सकते हैं। व्लॉग बनाने में हमें क्या दिक्कत आती है, तो हम व्लॉग बना भी देते हैं और फिर यूट्यूब पे अपलोड भी कर लेंगे और हमारे काफ़ी सारे दोस्त, रिलेटिव्स और यूट्यूब फैमिली देखेंगी और उसमें सब लोग कमेंट करेंगे कि आपका वीडियो अच्छा लगा। कुछ दोस्त होंगे जो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों, मेरे को लगा कि मैंने पहला व्लॉग बनाया और आप लोगों को अच्छा भी लगा, और मैंने सोचा कि मेरे को पहले व्लॉग में क्या क्या दिक्कत आई वो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को बताऊं कि मेरे को व्लॉग बनाने में क्या क्या दिक्कत आई। तो मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि फ्यूचर में कोई भी बंदा या कोई भी हो, हमारा वीडियो देख के किसी को भी लगे कि चलो ना मैं भी मेरा व्लॉग बनाऊं, तो उन लोगों को पता चले कि व्लॉग बनाने में क्या क्या दिक्कत आती है। तो उम्मीद है कि ये मेरा जो मैंने जो सेकंड व्लॉग बनाया
उसे आपको पता चलेगा। जो बंदा नया है, जो ब्लॉग बनाने की ट्राई करने वाला है, तो उसे पहले ही पता चल जाएगा कि ब्लॉग बनाने में क्या क्या दिक्कत आएगी, तो वो पहले से ही प्रिपेयर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।